हेलो स्टूडेंट, क्लास एट एक्सरसाइज 4.1 का ये फिफ्थ नंबर है। आपको ये नंबर दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है कि इसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमें किस नंबर से इसका क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, फर्स्टली आपको इसका क्या फाइंड करना है, फैक्टर फाइंड करना है। तो हमने फैक्टर फाइंड किया, इसका क्या आ गया हमारे पास, 3 17 17 17। अब यहाँ देखो, परफेक्ट क्यूब होने के लिए कितने के पेयर होने चाहिए सारे फैक्टर के, 3 3 के। तो यहाँ 17 का पेयर है 3 में, ये जो 3 बच रहा है सिर्फ वन टाइम है। आपको यहाँ पे कितने टाइम मल्टीप्लाई करना होगा, ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा 2 टाइम, 3 × 3। इट मीन्स टोटल कितना हो गया आपका, 9। इस नंबर में आपको किस नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा, 9 का। तो ये क्या बन जाएगा आपका, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6। आपको इस नंबर में, ये नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको क्या फाइंड करना है कि किस नंबर से हम डिवाइड करें कि ये नंबर क्या हो जाए आपका, परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो परफेक्ट क्यूब में हमें कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, फैक्टर। हमने फाइंड किया फैक्टर, क्या है आपके पास, 5 5 5 11। 5 3 टाइम आया, क्यूब है तो हमें पेयर कितने कितने के बनाने हैं, 3 3 के। अब एक्स्ट्रा यहाँ क्या बच रहा है, 11। यदि हम 11 से डिवाइड कर दें इसे, तो 11 यहाँ से कट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ 5, वो पेयर में है 3 3 के। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे राइट करना होगा, इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 11 टू बिकम अ परफेक्ट क्यूब। यदि हम इस नंबर को 11 से डिवाइड कर दें तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, परफेक्ट क्यूब में। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक नंबर दिया है, आपको क्या निकालना है उसका, दोनों ही टाइप से निकालना है, मल्टीप्लाई वाला भी निकालना है नंबर और डिवाइड वाला। इट मीन्स दोनों का मिक्स क्वेश्चन है वो 7, वो आपको खुद करना है। ऐसे ही करना है मल्टीप्लाई के लिए, जो आपका फैक्टर पेयर नहीं होगा जिसका, उसका आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। कितने पेयर, 3 3 के बनाने। यदि यहाँ 1 टाइम है तो हम 2 टाइम कर देंगे, यदि यहाँ 2 टाइम होता तो 1 टाइम करते। ओके, और डिवाइड में जो एक्स्ट्रा है, जो 3 3 के पेयर्स बन गए हैं उनके बाद जो एक्स्ट्रा बच रहा है उसका हमें क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.2। यहाँ पे आपको नंबर दिया रहेगा और क्या फाइंड करना है इसका, क्यूब रूट। अब आपने स्क्वायर रूट फाइंड किए, ये जो साइन दिख रहा है आपको, ये किसका साइन है, 3 लिखा हुआ। इट मीन्स यहाँ पे क्या है, ये क्यूब रूट है। 3 इट मीन्स कितने कितने के पेयर्स बनाने हैं आपको, यहाँ पर 3 3 के पेयर बनाने हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपका 4 6 6 5 6। सबसे पहले हम इसका फाइंड क्या करेंगे, फैक्टर। तो हमने ये फाइंड कर लिया इसका फैक्टर। 2 कितने टाइम आया यहाँ पर आपको, देखो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यहाँ 1 बचा, 1 एंड 6 16, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ 1 बचा, 1 एंड 3 आपका 13 हो गया, 2 6 जा 12, 1 एंड 2 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। अब नेक्स्ट देखते हैं, 2 5 जा 10, 1 एंड 6 16, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब हमने फिर से देखा ये किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से। तो हमने फिर से 2 से किया, 2 2 जा 4, 1 एंड 8 18, 2 9 से क्या हो गया आपका, 18, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अब हम ये फिर से 2 से डिवाइड होगा तो हम 2 से कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 एंड 1 11, 2 5 जा 10, 1 बचा, 1 एंड 6 क्या हो गया, 16, 2 8 जा 16। अब लास्ट में फिर से 8 आ रहा, इट में से किससे डिवाइड होगा, 2 से, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 1 एंड 8 कितना हो गया, 18, 2 9 जा 18, लास्ट में 9 आ गया। इट मीन्स ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम कैसे चेक करेंगे 3 से डिवाइड होगा, हम सारे नंबर को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, 7 2 9, 9 9 18, 3 के टेबल में आता है 18। इट मीन्स ये नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा आपका, 3 से, 3 2 जा 6, 1 एंड 2 12, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अब हम फिर से चेक करेंगे कि ये सारे नंबर को टोटल करने पर 3 के टेबल में आता है, 4 एंड 2 6 एंड 3 9, ऑब्वियसली 9 आता है 3 के टेबल में। तो हम फिर से किससे डिवाइड करेंगे यहाँ, 3 से, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, अब 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। इट मीन्स 2 यहाँ कितने टाइम आए आपके पास, 1 2 3 4 5 6 टाइम, एंड 3 1 2 3 4 5 6। तो हमने लिख दिया यहाँ 3 एंड 3 6, 3 एंड 3 6। अब हमें यहाँ पे पेयर जो बनाने रहते हैं, कितने कितने फैक्टर लेना होता है, यहाँ पर 3 3, तो हमने 3 2 लिया, फिर नेक्स्ट 3 2, और फिर यहाँ पे 3 3,
लिया है, और यहाँ पे थ्री टाइम क्या लिया है, थ्री लिया है। अब हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट। सबसे पहले हम साइन लगाएंगे, अभी तो हमने सिर्फ फैक्टर लिखा है, अब हम इसका क्या लगाएंगे, साइन। क्यूब रूट का साइन लगाने के लिए जैसे आपका स्क्वायर रूट होता है, पर यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, थ्री। क्यों? क्योंकि हम पेयर कितने के बनाते हैं, थ्री थ्री के। तो वन टाइम आ गया यहाँ पर टू, वन टाइम टू, वन टाइम थ्री, वन टाइम थ्री। जैसे हम स्क्वायर रूट में कितने टाइम में लेते थे, टू टाइम में वन नंबर लेते थे, तो यहाँ हम थ्री टाइम में क्या लेंगे, वन नंबर, क्योंकि हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट। अब इन सारे नंबर का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो कितना आ गया आपके पास, 36। तो ये जो आपका क्या होगा, इस नंबर का क्यूब रूट होगा। ओके,